देश दुनिया का सबसे बड़े धार्मिक आयोजन माघ मेले का 14 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी। कल माघ मेले का आगाज मकर संक्रांति के पहले स्नान से शुरू हो जाएगा। इस समय माघ मेला क्षेत्र में पाटून नंबर पुल एक पे है। आप देख सकते हैं मेले जो कल स्नान होगा मकर संक्रांति को लेकर किस तरह से माघ मेले में तैयारियां तेजी से चल रही है। आप देख सकते हैं लगभग पूरी तैयारियां अंतिम चरण पर है। मेला प्रशासन पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा मेला प्रशासन के लिए चुनौती यही होगा कि जिस तरह से कोरोना का जो कहर है माघ मेले में लगातार बढ़ रहा है, वहाँ के जो कोरोना मरीज हैं लगातार यहाँ पर मिल रहे हैं, इसके देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि जिस तरह से माघ मेले में उत्तर प्रदेश नहीं अलग देश के अलग अलग कोनों से यहाँ से श्रद्धालु आते हैं, तो यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पे जो संक्रमण की जो रफ्तार होगी वो तेज़ होगी। हमारे तरफ इस तरफ देखिए किस तरह से यहाँ पे कल्पवासु को बसाने के लिए तंबुआ जो है वो तैयार हो चुके हैं, और कल से ही यहाँ पे जो कल्पवासी है वो आ जाएंगे। यहाँ पे एक महीने के लिए वो डेरा जमा लेंगे। पूरे धार्मिक एक विधि विधान से यहाँ पे पूजा पाठ शुरू हो जाएगा, और यह एक धार्मिक जो मेला है माघ मेला वो बड़े ही परंपरा ढंग से यहाँ पे कल्पवासी पूरे एक माह कल्पवास करेंगे। लेकिन अगर हम तैयारियों की बात करें तो कहीं ना कहीं मेला प्रशासन इस बार तैयारियाँ उनकी शिथिल नज़र आई है, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो गया और उसके अलावा जो संगम में बाढ़ की स्थिति बनी थी जिसके वजह से तैयारियाँ अधूरी है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयारियाँ कंप्लीट हो जाएगी और 14 तारीख की जो मकर संक्रांति का पहला स्नान पर्व से माघ मेले का शुरुआत हो जाएगा। पत्रिका उत्तर प्रदेश से सुमित यादव, प्रयागराज।